खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। विशाल पटेल के साथ खबर 7C न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। ले चलते हैं जौनपुर, दिखाते हैं आशीष सिंह की यह रिपोर्ट। नमस्कार, खबर 7C न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए, मैं आशीष आज आपको लेकर चलता हूं जौनपुर मड़ियाहूँ तहसील के अंतर्गत एक बाज़ार पड़ता है नवणियाँ। इस नवणियाँ बाज़ार में लगातार 3 दिन के बारिश की वजह से जनजीवन एकदम अस्त व्यस्त हो गया है। और यहां पे बाज़ार के इस छोर पे हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, पूरा पानी जमा हो गया है, रास्ता डूब चुका है, लोग रास्ते में जाने को मजबूर हैं। जैसा कि मैं अपने कैमरे खबर 7C के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि ये पशुपालन विभाग राजकीय पशु सेवा केंद्र नवणियाँ बाज़ार है, यह भी डूब चुका है। तो आइए, हम लेकर चलते हैं आगे की तरफ और आपको वहां से पूरा सिस्टम की व्यवस्था को दिखाएंगे, पानी कहां से कहां तक जमा हुआ है। जी आइए, ये है पशुपालन विभाग राजकीय पशु सेवा केंद्र नवणियाँ, इसके अंदर भी पूरा पानी एकदम जमा हुआ है। देखिए, हम आपको अंदर बाउंड्री के अंदर आपको दिखाते हैं कि कहीं भी एकदम जमीन नहीं दिखाई दे रहा है, केवल पानी ही पानी नज़र आ रहा है और हर जगह जो है पानी है। और आइए हम दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे लोग पानी में बाइक लेके आने को मजबूर है। इधर हम आपको दिखा रहे हैं कि नवणियाँ इंटर कॉलेज का गेट है, पूरे इंटर कॉलेज के गेट तक पानी एकदम लगा हुआ है और एकदम कहीं से भी पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, जो लगातार 24 घंटे 72 घंटे से बारिश हो रही है। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। जी सर, नाम क्या है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, ये बताइए कि क्या इस तरह का पानी और भी इसके पहले कभी जमा हुआ था? नहीं नहीं, इसके पहले नहीं जमा हुआ था। जी, इसके पहले नहीं जमा हुआ, तो कहीं पानी की निकासी की कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसके लिए आप, आपके जो ग्राम प्रधान हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहते हैं? करना चाहते हैं यही कि पानी का निकाल कहीं व्यवस्था बनाएं। जी जी, हाँ प्रधान जी। जी बिल्कुल, मतलब यहाँ पे जो हैं लोग परेशान हैं कि जो है कि पानी निकासी की कोई व्यवस्था बनाई जाए। ये कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। जी सर, नाम क्या आपका? शिव कुमार से। जी शिव कुमार जी, ये बताइए कि क्या लगता है आपको, इसके पहले भी इस तरह की पानी यहाँ पे जमा हुआ था, इतना जो है लगातार 72 घंटे से बारिश हो रही है, इससे काफ़ी जनजीवन अस्त व्यस्त है, इसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? ये पानी का निकास बहुत ज़रूरी है। जी सही है, नाला ओवरफ्लो हो जा रहा है, उधर जो कुटी बाबा जी कुटी पर गया था वो भी पानी बंद हो गया है। जी बिल्कुल, मतलब हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, उधर से भी पूरा रास्ता एकदम ब्लॉक है और यहाँ से एक जो है पोखरी है वो भी पूरा एकदम भर चुका है और पानी कहीं भी निकासी की व्यवस्था नहीं है। उधर हम आपको दिखा रहे हैं कि वो जो है प्राइमरी का गेट है, प्राथमिक विद्यालय का, वहाँ तक पानी एकदम पूरा लगा हुआ है, कहीं से भी पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। इस तरह की जो है दुर्व्यवस्था, इस लगातार जो 72 घंटे से बारिश हो रही है, जिससे पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। तो आइए, इस तरह की और जो है 72 घंटे से जो बारिश हुई, इस तरह की और जो है दुर्व्यवस्थाओं को हम अपने खबर 7C चैनल के माध्यम से बने रहेंगे। तो ऐसे ही खबरों के साथ हमारे साथ बने रहें। मैं खबर 7C न्यूज़ चैनल के साथ आशीष कुमार सिंह, नवणियाँ बाज़ार, जौनपुर।